हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल कम बैक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं हर दिन कुछ ना कुछ आप उससे नया सीख सकें। और मेरे चैनल पर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरीके की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और कोई भी मैकेनिकल में कोई भी इशू है या कोई प्रॉब्लम है या आपको ड्राइविंग में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप इंस्टा पर जाइएगा, वहाँ पर मुझे लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। और आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से। सो गाइस, हम बात कर लेते हैं अपने स्टूडेंट से, क्या नाम है और कौन सा डेज है, क्या कॉन्फिडेंस है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? राहुल। ये भी राहुल ही है भाई अपने, ठीक है। और कौन सा डेज है? आज मेरा सिक्स डेज है। तो फर्स्ट डे से सिक्स डेज में क्या कॉन्फिडेंस आया आपको? आई थिंक ये कॉर्नर पे गाड़ी चलाना, और मैंने कई बार पतली रोड से भी चला लिया है। अभी तक जो आपने प्रैक्टिस करी तो सीधे रोड पे या गलियों में? मैंने दोनों जगह, एक्चुअली दोनों जगह। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ आता है, गलियों में या सीधा? सीधा सीधा रोड पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, गलियों पे लेफ्ट एंड राइट का थोड़ा अंदाज़ा मिल जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप टर्निंग करोगे, आप जितनी गलियों में कार को चलाओगे उतनी बारीकी आपको समझ में आ जाएगी। लेफ्ट जाना है, यहीं से स्लो करके। सो गाइस, अभी हम लोग हैं मानस इनक्लेव वाले एरिया में, और राहुल भाई बढ़िया चलाते हैं, ऐसा नहीं है। और छोटी छोटी गलियों में क्या होता है ना कि आपको स्टीयरिंग का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, गियर का यूज़ करना पड़ता है, एक्सेलेटर से ब्रेक पे पैर लाना पड़ता है, सिग्नल का यूज़ करना होता है, हॉर्न का, और इन्हीं सारी चीज़ों से प्रैक्टिस होती है आपकी। अगर आप स्ट्रेट एकदम सीधा चलाते हैं तो थर्ड या फोर्थ गियर डाल देते हैं, ना आपको गियर बदलने की ज़रूरत है, ना हॉर्न बजाने की, ना ही तो स्टीयरिंग को 90 डिग्री से टर्न करने की ज़रूरत है। तो अगर आप न्यू लर्नर हैं या फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो गलियों में ज़्यादा कोशिश करें चलाने को, स्पीड बढ़ा के थर्ड गियर करो, 30+ जाके फिर गियर थर्ड डालो। गुड, जाने दो, लॉन्ग हॉर्न पुश किया करो थोड़ा बिफोर, क्योंकि ये गलियों से लोग कभी भी कहीं से भी निकल के आ जाते हैं। जाने दो। नॉर्मल गाड़ी फर्स्ट और सेकंड गियर में ट्रैफिक में चलती है, लेकिन जब रास्ता क्लियर है तो आप थर्ड तक मेंटेन कर सकते हो, इन रोडों पे थर्ड तक गाड़ी को मेंटेन कर सकते हो। जाने दो। स्पीड बढ़ा लो। जैसे देखो, यहाँ थोड़ा आगे नैरो है, चढ़ाई भी है, टर्निंग के साथ चढ़ाई भी है, और रास्ता भी थोड़ा पतला है, तो यहाँ पे कई बार एकदम से गाड़ी आ जाती है, तो उसके लिए आपको पहले पासिंग डिपर देना चाहिए। हाँ, बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ वरना रुक जाएगी। 100 मीटर बिफोर पासिंग डिपर, अगर कोई बड़ी गाड़ी आ रही तो थोड़ा पहले ही आपको गाड़ी स्लो कर लेना है ताकि वो निकल जाए। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो आप उसको डिपर दोगे तो वो स्लो कर ले, ताकि दोनों गाड़ी आराम से निकल जाए। अगर दोनों लोग साथ में उस पॉइंट पर पहुँच जाओगे तो ना आप निकल पाओगे ना सामने वाला निकल पाएगा। हॉर्न, अगर लेफ्ट राइट में गाड़ियाँ खड़ी रहती तो थोड़ा बिफोर प्लान किया करिए, कब कौन कहाँ मोड़ दे कुछ पता नहीं होता है। कुछ लोग तो सिग्नल ही नहीं देते हैं, अचानक मोड़ देते हैं, सामने देखो गाय आ रही है। जाने दो, अभी थोड़ा स्पीड मेंटेन करो। 20 से नीचे जाओगे तो गाड़ी जर्किंग करेगी, जैसे अभी जर्क कर रही ना, घट, क्योंकि उसको स्पीड नहीं मिल पा रही है थर्ड गियर की, लेफ्ट जाना है। अभी जैसे टी पॉइंट है और राइट साइड से गाड़ी आएगी तो हमें दिखता नहीं है, तो खतरा हमें किधर से है, राइट साइड से, तो हमें जाना लेफ्ट है, लेकिन हम जब चलाते हैं तो ध्यान कहाँ देते हैं, जिधर जाना होता है उधर ही देखते हैं, अपोजिट साइड नहीं देखते हैं, और पीछे से जो गाड़ी आ रही थी वो भिड़ा देता है। हमेशा हमें अपोजिट साइड देख के गाड़ी को टर्न करना चाहिए, जिस साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, ना कि जिस साइड हम जा रहे हैं। जिधर हमें जाना तो उधर तो हमारी नज़र जाएगी, हम चाहे जितनी कोशिश करें कि ना जाए। बढ़ाइए स्पीड, बढ़ाइए, हाँ, और जितना आप लेफ्ट रखेंगे ना उतना सेफ रहेंगे। अब जैसे ये ब्लाइंड टर्न है, सामने से देखो अचानक ट्रैक्टर आया, अगर आप राइट दबा के चलोगे तो क्या होगा, छू जाएगी, और अपना पहले से लेफ्ट रखोगे तो अब यहाँ पे गियर चेंज कर सकते हो आप, सेकंड चलते चलते फटाफट। चलो गुड, टर्न करो, गुड, आगे से फिर राइट जाना है।
कोई भी टर्निंग पॉइंट हो जहाँ पे हमको दिख ना रहा हो, तो जितनी गाड़ी हम लेफ्ट दबा के रखेंगे उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। राइट का सिग्नल आगे जाके लॉन्ग हॉर्न पुश करके, हाँ जाने दो, गुड। ये लहरानी नहीं चाहिए गाड़ी, जैसे अभी आपने काटी ना राइट चली गई, सीधी सीधी गाड़ी रहनी चाहिए ताकि अगर आपके राइट से भी कोई आपको ओवरटेक कर रहा हो तो वो भिड़े ना। अच्छा, इधर मुझे मोड़ के राइट में नहीं आना था? नहीं नहीं, लेफ्ट ही से निकालना था। कल यू टर्न हम लोगों ने लिया था तो आपने राइट दबा के लिया था ना, आज आपने लेफ्ट ज़्यादा गैप कर दिया था राइट में। गाड़ी की लंबाई 12 फीट है ना पूरी गाड़ी, आप अगर वैसे करोगे तो पीछे से जो आपके निकल रहा है ना वो छू जाएगा। आगे से आपको लेफ्ट जाना है चौराहे से, स्पीड बढ़ाइए, हाँ रेस करो, जाओ, हाँ चलो, अभी लेफ्ट का सिग्नल दो, यहीं से लेफ्ट टर्न करना है। मिरर चेक कर लेना लेफ्ट वाला, टर्निंग के टाइम गियर कम कर लेना या स्पीड कम कर लेना, गियर डाउन कर लो, सेकंड गियर करो, स्पीड कम करो, ब्रेक लो, टर्न करो लेफ्ट फुर्ती से, चलो छोड़ो क्लच, जाने दो, हाँ ऐसे जैसे अभी काटा ना लेफ्ट, काट के लेफ्ट ही सीधी हो गई, ऐसे जब भी राइट काटो तो भी लेफ्ट में ही रहना है क्योंकि हमारी साइड कौन सी है, लेफ्ट। अब इसको आप पासिंग डिपर दे दो, सामने आ रही ना गाड़ी, जिस रोड पे डिवाइडर नहीं होता वहाँ एक्सीडेंट सामने से होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिस पे डिवाइडर वाले रोड पे सामने वाला भिड़ नहीं सकता है क्योंकि बीच में डिवाइडर है, इसमें मान लो ज़रा सा उसकी स्पीड ज़्यादा है उसका, या माइंड कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो भिड़ने के चांसेस रहते हैं। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड कम, स्लो, स्पीड ब्रेकर है, हाँ जाने दो, चलो रेस ले लो हल्का। आगे जहाँ से सामने देखो ओडी निकली है वहीं से राइट लेना है आपको, अपना लेफ्ट ही दबा के रखना, लॉन्ग हॉर्न मार के निकाल लो, चलो जाओ रेस लो हल्का। अब यहाँ पे टर्निंग भी है चढ़ाई भी है हल्का सा, तो यहाँ पे क्या है ना स्टीयरिंग पे भी कमांड रखना और हल्का एक्सेलेटर को भी हल्का सा लेना है ताकि गाड़ी हमारी बंद ना हो। बढ़ा के चलो, स्पीड बढ़ाओ, फिर थर्ड गियर डालो, चलो रेस करो, हाँ अब थर्ड गियर डालो, गुड वेरी गुड, जाने दो। और जब गियर चेंज किया करो तो राइट वाला, हाँ 12 o'clock पे जरूर लाया करो, आदत डाल लोगे कभी भी गाड़ी लहराएगी नहीं। अब देखो सामने से मैडम अभी टियागो लेके आ गई थी, आई एकदम अचानक, सामने भिड़ने के चांसेस थे नहीं थे, तो ऐसे में क्या है अब उधर रोड़ी पड़ी हुई थी, गिट्टी पड़ी थी, और सामने अगर आपने डिपर दिया होता तो शायद वो नहीं आती आपकी तरफ, लेट हो गया डिपर देने में, लेट हो गया, सेकेंडों का खेल होता है भाई, नजर हटी दुर्घटना घटी, यहाँ से लेफ्ट जाना है आगे चौराहे से, हाँ हॉर्न गियर डाउन कर लो, सेकंड करो, राइट वाला पैर ब्रेक पे, स्पीड कम करो, स्लो करो एकदम, अब यहीं से लेफ्ट जाना है, टर्न करो फुल, चलो गुड, बढ़ा लो स्पीड, बढ़ाओ 20+ जाओ 30 के आसपास, फिर जाके फिर गियर चेंज करो, थर्ड करो, गुड, फिर 12 o'clock पे हाथ नहीं आया आपका, उससे क्या होगा ना कभी गाड़ी आपकी लहराएगी नहीं, जब आप स्टीयरिंग को जहाँ भी पकड़े वहाँ पकड़ते हो फिर गियर चेंज करते हो तो लेफ्ट वाले हाथ से जब गियर चेंज करते हो तो राइट वाला भी मूवमेंट में आ जाता है, तो हल्का सा लहरा जाती है स्टीयरिंग, आप लहराते नहीं हो लेकिन वो बाई मिस्टेक लहराई जाती है, जैसे हम राइट वाला पैर एक्सीलेटर पर रखे रहते हो और गियर चेंज कर रहे होते हैं लेफ्ट वाले पैर से क्लच दबा के तो वो अपने आप दब जाता है, वो भी मूवमेंट में आ जाता है, तो इसलिए ब्रेक पे पैर होगा तो अगर दबेगा भी तो हल्का फुल्का ब्रेक दबेगा, स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे, सेकंड गियर कर लेना, गियर डाउन करो, सेकंड करो, स्पीड कम करो, साइकिल वाले को बचाओ, राइट दबाओ, हॉर्न मारो, कई बार ना एक टाइम में कई चीज़ें करनी होती हैं और वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाएंगी। अब ये जो सामने से आ रहे हैं ना इनके लिए हॉर्न नहीं है, इनके लिए डिपर है, और जो इधर से जा रहे हैं जैसे तीन लोग जा रहे हैं इनके लिए हॉर्न है क्योंकि इनको नहीं पता है कि इनके पीछे क्या आ रहा है, हॉर्न, लॉन्ग हॉर्न, राइट दबाओ, राइट, हाँ जाने दो, और जब भी किसी को लेफ्ट से ओवरटेक करोगे तो आपकी जिम्मेदारी है उसको बचाना,
सामने वाला तो आपको देख रहा है, लेकिन जो इधर से जा रहा है उस पर पूरा 100% आपका फोकस होना चाहिए, यहीं से राइट। अभी ये थोड़ा नैरो रोड है, ब्लाइंड टर्न है, तो लॉन्ग हॉर्न पुश करेंगे राइट वाला पैर ब्रेक पे और आराम से धीरे से टर्न कर लेंगे। स्पीड आपकी 10 से 15 के आसपास रहनी चाहिए, हाँ ये, क्योंकि राइट में गड्ढा भी है। बस जाने दो धीरे धीरे। अब लेफ्ट में वहाँ पे पोल है तो हल्का सा राइट, और राइट में एक चैम्बर भी बना है, पोल के साथ साथ चैम्बर भी है, तो दोनों को बचाना है हमें। सिग्नल दो लेफ्ट का, जाओ, गुड, लेफ्ट का सिग्नल, हॉर्न, लॉन्ग हॉर्न, थोड़ा राइट दबा के, हाँ अब यहीं से लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, चलो काटो लेफ्ट। सीधी करो, गुड, चलो बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, सेकंड गियर करो। फर्स्ट गियर होता है खाली गाड़ी को खिसकाने के लिए, समझ रहे, सिर्फ मूव करने के लिए, एक फर्स्ट टाइम उठाने के लिए। हॉर्न आगे से लेफ्ट, ब्लाइंड टर्न है, लॉन्ग हॉर्न पुश करो क्योंकि यहां पे भी कार आ सकती है, और हाफ क्लच हाफ ब्रेक पे, हाँ जाने दो, गुड, टर्न करो, अब ब्रेक छोड़ो, अब फिर राइट जाना, लॉन्ग सिग्नल, हॉर्न, फुर्ती से पैर ब्रेक पे, एक्सेलेटर की नीड नहीं है इस गली में, सीधी करो, बस यहीं पे रोकना है पूरा क्लच और ब्रेक, हाँ फुल क्लच देन ब्रेक, स्टॉप न्यूट्रल कर लो, लॉक खोल लेना, ओके ब्रदर, क्योंकि इन गलियों में एक्सेलेटर की ज़रूरत नहीं है। चलो पहला गियर डालो, अब हल्का एक्सेलेटर के साथ गाड़ी बढ़ा लो, हल्का एक्सेलेटर लोगे तो गाड़ी कभी बंद नहीं होगी। वैसे तो जब हम सीखते हैं तो देखो बंद हो गई क्योंकि आपने मैचिंग नहीं करा, जब एक्सेलेटर लिया तब क्लच नहीं छोड़ा, जब क्लच छोड़ा तो एक्सेलेटर नहीं लिया। चलो बढ़ा लो स्पीड, अगले वाले कट से लेफ्ट जाना है हमें, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का, लॉन्ग हॉर्न पुश करिए, नहीं थोड़ा राइट दबा के लेफ्ट लेना है, आराम से, हाँ तो गड्ढा है, गड्ढा बचाना है, ये देखो राइट में गड्ढा भी है, इधर पोल भी है, इधर नाली भी है, टर्न करो, हाँ गुड, सीधी करो, बढ़ाओ स्पीड, फटाफट स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर करो, चलो जाने दो, गुड, वेरी गुड, आगे से लेफ्ट जाना है, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, राइट में ट्रैक्टर खड़ा, स्पेस इतना है नहीं, दो गाड़ी निकल नहीं पाएंगी यहाँ पे एक साथ, जाने दो, लेफ्ट का सिग्नल, हॉर्न, लॉन्ग हॉर्न, हाँ ब्लाइंड टर्न है, टर्न करो फुर्ती से, जाओ हल्का रेस के साथ, धीरे धीरे जाओ, खिसकाओ, सीधी करो, सीधी रोक लो, रोको पूरा क्लच ब्रेक, पहले गियर में करो इसको, क्योंकि इधर कार खड़ी, सामने क्रेटा आ गई, राइट काटो, जाओ राइट काटो, बस चलो बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, रेस लो हल्का, हाँ जाओ 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 जाओ, चलो बढ़ा लो। ऐसे में क्या होता ना, एक सेकंड के लिए भी आप लेट हुए ना, सोचने लगे उतने में काम हो गया, बढ़ाइए स्पीड, चलो चेंज करो, सेकंड गियर करो, गुड, जाने दो। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। राइट उठ को जाने दो, धीरे धीरे जाओ, हाँ।